वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज श्रुति। आज की वीडियो में मैं आपको मेरे 1920 के आर्टवर्क्स दिखाऊंगी। कल की वीडियो में मैंने आपको मेरे सभी ओल्ड आर्टवर्क्स दिखाए थे, और कुछ जो आर्टवर्क्स मैंने 1920 में बनाए थे वो जो हमारे प्रैक्टिकल फाइल्स होती है PFA की उसमें दे दिए थे, और जो आर्टवर्क्स हैं मेरे पास वो सब मैं आपको दिखा दूंगी। सभी आर्टवर्क स्केचिंग और पेंटिंग्स हैं। इसके अलावा जो भी क्राफ्ट वर्क है, जैसे कि आपने मेरी वीडियोस में देखा ही है, तो क्राफ्ट वर्क मैं नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये वर्क्स भी बहुत हैं, हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इस वजह से स्टार्टिंग में मैं आपको मेरे PFA बिगनिंग के वर्क्स दिखाऊंगी कि मैंने PFA के बिगनिंग में मेरे वर्क्स किस तरह से थे और आज किस तरह से हैं, तो आपको डिफरेंस दिख जाएगा कि मैंने 1-1.5 साल में कितना इम्प्रूव किया है। फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट बहुत छोटा आर्ट होगा, वाटर कलर से बनाया हुआ है। इस आई का रेफरेंस मैंने गूगल या पिंटरेस्ट से नहीं लिया था, ये किसी ने अपनी आईडी क्लोजअप फोटोग्राफ ले रखी थी और स्टोरी पे लगा रखी थी इंस्टाग्राम की, तो मैंने वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके और फिर पेंट किया था, उनकी परमिशन से किया था, ऐसे ही नहीं किया था। ये एब्स्ट्रैक्ट में बनाया था मैंने वर्क, ये प्रिंट वाली जो शीट होती है उस पर बनाया हुआ है, बिल्कुल पतली सी होती है वो वाली शीट। ये पोर्ट्रेट मैंने BFA की बिगनिंग में बनाया था, ये मेरा फर्स्ट पोर्ट्रेट था जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा डिटेल की थी। पोर्ट्रेट के बाद ही मैंने जो भी डिटेल वर्क्स हैं वो स्टार्ट किए थे। ये ऐसे ही लेआउट बनाया हुआ है प्रैक्टिस के लिए, आइंस्टाइन का चारकोल स्केच, इन्हें तो आप पहचान ही गए होंगे, तो इसके बैक में भी मैंने बनाया हुआ पोर्ट्रेट। इन पे फिक्सेटिव भी नहीं किया हुआ मैंने, ये वाला लाइव है और ये वाला प्रैक्टिस वर्क है। ये वाटर कलर लैंडस्केप देख सकते हो कितना, मतलब कितना रफ बना है मेरे में। मुझे वाटर कलर लैंडस्केप में बहुत प्रॉब्लम हुई है, बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल से सीखे मैंने वाटर कलर्स प्रैक्टिस कर करके। वाटर कलर लैंडस्केप तो मुझे आज भी ज़्यादा खास पसंद नहीं है, लैंडस्केप एक्रेलिक या फिर ऑयल में मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये तो लाइव वर्क है, इसकी तो मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, लाइव वर्क करते हुए नहीं बनाई है, बट इस पोर्ट्रेट के इस स्केच के साथ वीडियो है मेरी। ये पिंक कलर का लैंडस्केप, इसकी तो यूट्यूब पर वीडियो भी है, रियल में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये इसका जो ये वाला एरिया ना, ये थोड़ा सा रफ है। ये फाइल मेरी BFA की बिल्कुल बिगिनिंग की है, बिल्कुल जब मैंने क्लासेस में जाना स्टार्ट किया था। ये मैंने खुद से बनाया था, वहाँ सिखाया नहीं गया था, देखा होगा आपने ये तो इंटरनेट पे, इसकी और भी काफ़ी आर्टिस्ट ने ये वाला पोर्ट्रेट बनाया हुआ है। ये सर ने डेमो दिया था हमें वाटर कलर का, वाटर कलर लैंडस्केप का, फिर मैंने इसे कॉपी किया था, 4-5 बार कॉपी किया था, और अब मैं इसे बिना देखे भी बना सकती हूँ सेम। और ये क्लास में सर को करके दिखाया था, ये क्लास में वाटर कलर से मोनोक्रोमेटिक, आई मीन फर्स्ट टाइम जब मैंने इसे कॉपी किया, मैंने बहुत डांट खाई अपने सर से जब वाटर कलर लैंडस्केप बनाते थे, क्योंकि लैंडस्केप मुझे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पोर्ट्रेट्स और क्रिएटिव वर्क्स और ट्रेडिशनल आर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। ख़राब हो गया था, प्रैक्टिस वर्क ही है, अभी देखती हूँ तो अभी समझ आता है क्या कमियाँ हैं। उस वक्त लगता था बहुत सही बनाया मैंने। BFA की जो फर्स्ट क्लास थी तब से लेके, मतलब तब की ये सबसे पहली फाइल है। मुझे ये इसलिए याद है क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से अपना नाम लिखा था इस पर, पाविका श्रुति। और स्टार्टिंग में ये आईज के एक्सप्रेशंस बनाए थे, मेरी BFA की फर्स्ट स्टिल लाइफ। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, 2 डेज क्लास अटेंड की थी, सर ने बोला था लाइव स्केचिंग करनी है, मैं लाइव स्केचिंग करके गई थी। ये सर ने डेमोन्स्ट्रेशन दिया हुआ है, ये फिर मैंने सर को करके दिखाया था,
यहाँ पे नीचे के प्रस्पेक्टिव में थोड़ी गड़बड़ है। ऑब्वियस ही बात है, अगर जग इतना बड़ा तो टेबल इतना छोटा कैसे हो सकता है, और जो पीछे कर्टन आ रहा है वो भी सही नहीं है। तो देखो ये मेरा लैंडस्केप, डिफरेंस देख सकते हो, मतलब ये भी बिगनिंग का वर्क है और ये भी बिगनिंग का वर्क है। लैंडस्केप की कलरिंग में कितना डिफरेंस है। ये लैंडस्केप बनाया था, इस पर मुझे बहुत डांट पड़ी थी सर। फिर सर ने मुझे सबसे इजी डेमो दिया कि इसे बनाओ। बिल्कुल VFA के वर्क है, बिल्कुल बिगनिंग के। जब मैं स्टार्टिंग में जाती थी भी यूज करने नहीं आते थे वाटर कलर्स। 12th सेमेस्टर के बाद भी, जब मैंने 12th क्लियर कर ली थी, जब तक मैं VFA में नहीं गई थी, मुझे ये भी नहीं मालूम था कि वाटर कलर्स एक्चुअल में वाटर कलर्स किस तरह से दिखते हैं और किस तरह से यूज किए जाते हैं। वाटर कलर्स को भी हम पोस्टर कलर्स के जैसे ही यूज करती थी मैं भी। ये है कंपोजिशन, ये हमें फेस एक्सप्रेशन सिखाए थे क्लास में, प्रैक्टिस वर्क। ये मेरे सर का स्केच है, जो हमारे BFA के सर हैं उनका बनाया था मैंने। जो स्केच बनाया वो मैंने बहुत सही बनाया, लेकिन A3 साइज पर बनाया, तो फुल बनना चाहिए। फ्री हैंड बनाया है इसे पूरा, मतलब एकदम सही बनाया, शेडिंग भी सही हुई है, बट जो एरिया है उसे डिवाइड में सही से नहीं कर पाई। कॉम्पोजिशन ड्रॉ करी थी ये मैंने। ये भी एक लैंडस्केप है, एक्रेलिक लैंडस्केप, वेट था तभी मैंने इसे बंद कर दिया था, तो ये अब खोला तो सारा चिपक गया था। देखो कैसा हो रखा है। ये हम बना रहे थे यूं ही तो पूरा नहीं किया। मेरे बहुत सारे ऐसे वर्क थे जो कि खराब हो जाते हैं और मैं ड्रॉ करती फिर इन्हें पूरा नहीं करती, और इमेजिन इतना करती हूँ ना बहुत ज़्यादा। ये भी हमारी क्लास का डेमो है, तो इस तरह का जो वर्क होता है हम उसे पैच वर्क बोलते हैं। इसमें देख सकते हो किस तरह से पैचेस आए हुए हैं सारे बैकग्राउंड में भी और फ्लावर्स में भी, काफ़ी अच्छा लगता है एक्रेलिक वर्क। मैं एग्जांपल दिखाती हूँ वाटर कलर्स में कैसा लगेगा पैच वर्क, देख सकते हो। मैंने बहुत सारी ड्राइंग शीट्स खराब की हैं, मतलब आई मीन के बहुत सारी प्रैक्टिस की है। और ये है क्रिएटिव वर्क, तो ये वाला जो वर्क है मैंने इमेजिन करके बनाया, क्रिएटिव बनाना था। तो ये वाली शीट जो है 80 रुपीज़ की एक शीट आई थी, फर्स्ट टाइम इतनी कॉस्टली शीट बाय की थी, सो आई थॉट कि बहुत सुंदर बनेगा और सबको बहुत पसंद आएगा, और ये किसी को अच्छा नहीं लगा तो मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने इसे रख दिया और फिर इसे अपनी फाइल्स में भी नहीं रखा। ये चीज़ समझ सकते हैं कि जब आप बहुत मन से कोई चीज़ बनाते हो और फिर कोई उसे बोल देता है कि नहीं उतना अच्छा नहीं बना है, तो बहुत बुरा लगता है, और फिर हम अपना गुस्सा उस पर्सन की जगह अपने आर्ट वर्क पे निकालते हैं। प्रैक्टिस वर्क, जो भी आर्टिस्ट है वो अपना बेस्ट वर्क ही दिखाते हैं, बट पीछे ये कोई नहीं जानता कि हमने कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है तब जाके हम ये इतना बना पाए हैं। वीडियो में भी इतना डिटेल नहीं लग रहा है जितना रियल में है। स्केच बनाया था और पोस्ट किया था, तब मेरा फोन का कैमरा बहुत ही ज़्यादा बेकार था, 1 साल पहले की बात है, तब तो इसके अंदर जो भी डिटेल्स है ना वो भी क्लियरली नहीं दिखी थी। जैसे कि एक रूल होता है कि लेयर बाय लेयर हम शेडिंग करते हैं लाइट टू डार्क, मैंने बिल्कुल उसी तरह से किया था। इसमें काफ़ी सारे लेयर्स में आई थी, लाइंस लगाई थी, शेडिंग रफ स्मूथ शेडिंग की थी, उसके ऊपर रफ शेडिंग की थी और डॉट्स भी बनाई थी उसमें। काफ़ी कैमरा अच्छा नहीं था तो फोटो भी अच्छी नहीं आई। और ये बनाया था मैंने प्रियंका चोपड़ा का स्केच। अब देखो ये वर्क जो मैंने आपको पहले दिखाया था कि मैंने इसकी प्रैक्टिस की थी, फर्स्ट टाइम मैंने उस डेमो के बाद बनाया था, सेकंड टाइम ये बनाया था, और एक बार और बनाया था, वो वर्क मैंने दे दिया था किसी को, जैसे कि स्कूल के जो कमीशन वर्क्स आते हैं, जो प्रैक्टिकल वर्क्स होते हैं, उसमें बना के दिया था मैंने स्टूडेंट्स को, वाटर कलर्स के जो आते हैं। और ये रहा मेरा मम्मा का स्केच, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, दिखाया था आपको और बताया भी था कि मैंने वो स्केच दोबारा बनाया हुआ है, तो ये बनाया था, तो डिफरेंस आपको देख ही जाएगा। और उसका बैकग्राउंड मैंने कलर्ड कर दिया था और इसका ये पूरी ब्लैक एंड वाइट बनाई। इसमें मैंने ग्रे पार्ट और चारकोल दोनों पेंसिल्स का यूज़ किया, मोस्टली मैं मिक्स मीडिया यूज़ करती हूँ, मतलब ग्रे पार्ट और चारकोल दोनों एक साथ ही यूज़ कर लेती हूँ अपने पोर्ट्रेट्स में।
बहुत रेयर होता है, जब मैं ओनली चारकोल यूज़ करती हूँ। और ग्रेफाइट का तो भी शायद मैंने एक दो पोर्ट्रेट्स ही बनाए जिसमें ओनली ग्रेफाइट का यूज़ किया, बिकॉज ग्रेफाइट से पोर्ट्रेट बनाने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है। चारकोल से भी डार्क भी होता है और अच्छे से स्प्रेड भी हो जाता है, तो मैं चारकोल ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि अभी हम जो हाईएस्ट पेशेंस लेवल होता है एक आर्टिस्ट का, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। अभी सीख रहे हैं तो धीरे धीरे लेवल पे भी पहुँच जाएंगे। वैसे जब हम बीएफए करते हैं तब अलाउड नहीं होता है कि ग्रेफाइट स्केच में हम चारकोल यूज़ करें और चारकोल स्केच में ग्रेफाइट यूज़ करें। और ये स्केच है, इसकी तो वीडियो भी मिलेगी आपको यूट्यूब पर। और ये आर्ट वर्क बनाते हुए मुझे सच में बहुत डर लगा था, देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है ना स्केच बुक में दिखाने में और रियल में दिखाने में। एक तो ये आर्ट वर्क मैंने फ्री हैंड बनाया था। एक साल पहले मैं इतनी ज़्यादा आलसी थी कि मुझे ग्रिड्स बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो मैं जो मेरी मम्मा का पोर्ट्रेट था उससे पहले भी जो पोर्ट्रेट्स दिखाए हैं वो सभी मैंने फ्री हैंड बनाया हुआ है। ग्रिड्स बनानी मैंने अभी 7-8 months से स्टार्ट किया है, मेरे पास बहुत ज़्यादा कमीशन वर्क आने लगे तो मैंने ग्रिड्स बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ग्रिड से बहुत जल्दी हम आर्ट वर्क बना पाते हैं और परफेक्ट बना पाते हैं। जब हम फ्री हैंड बनाते तो फिर बहुत टाइम लगता है। ये भी फ्री हैंड बनाया हुआ मैंने, डिफरेंस तो आ ही जाता है थोड़ा बहुत जब हम फ्री हैंड बनाते हैं। ये है अब्दुल कलाम जी का स्केच, इस स्केच की भी वीडियो मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे। सुशांत सिंह का स्केच, ये तो जिस दिन वो गए थे कि नेक्स्ट ही बनाया था मैंने चारकोल से, 3 hours में बनाया था ये स्केच मैंने। और ये वर्क मैंने मेरी मम्मा के डिमांड पे किया था। और ये वाटर कलर लैंडस्केप, अभी आप डिफरेंस देख सकते हो कितना ज़्यादा आया जो मैंने मेरे पहले वाटर कलर लैंडस्केप दिखाए थे। और अभी इसमें भी जो पैचेस बनाए वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं, थोड़ी और डिटेल होनी चाहिए। और ये है पेंसिल वर्क, इसकी वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, कलर लैंडस्केप। इनके इंट्रो की तो ज़रूरत है नहीं, बाकी ये वाला स्केच मैंने पहले बनाया था और ये वाला स्केच बाद में बनाया था। इसमें ओनली ग्रेफाइट का यूज़ है और इसमें चारकोल का यूज़ किया हुआ है। स्किन की शेडिंग के लिए तो ग्रेफाइट का यूज़ किया था, बाकी जो ब्लैक जितना भी एरिया है यहाँ पे चारकोल का यूज़ किया हुआ है। और इसमें तो कंप्लीट ग्रेफाइट है, तो ये दोनों कंप्लीट वर्क मैंने चारकोल पेंसिल से ही बनाया हुआ है। ओनली जिंदगी दी पौड़ी सॉन्ग जो है उसका कवर बनाया हुआ है ये। इसमें मैंने पेंसिल कलर्स का यूज़ किया था, कलर्ड वर्क पहले हम मैं ऐसे बनाती हूँ, मैं डार्क टोन्स अच्छे से दिखाई नहीं दे रही है। फेस में और भी थोड़ी डिटेल्स हैं। ये है सुशांत सिंह का स्केच, ये मैंने दोबारा बनाया था उनका स्केच, इसकी भी मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाई हुई है, देख सकते हो आप, मिल जाएगी। वाटर कलर पोर्ट्रेट्स वाली जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर सभी आर्ट वर्क के लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो कोई भी आर्ट वर्क, मेरे किसी भी तरह का आर्ट वर्क ढूंढने में। और जो लोग ओनली पेंसिल वर्क करते हैं उन्हें और तरह के आर्ट वर्क्स की भी नॉलेज हो, क्योंकि कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको ओनली स्केचिंग करते हैं या फिर जिनको और मीडियम्स के बारे में, जिनको और कलर मीडियम के बारे में मालूम है, बट वो उन कलर मीडियम्स में वर्क करने में अभी कंफर्टेबल नहीं है, या फिर जिनको सिर्फ मीडियम की नॉलेज है, स्टाइल्स की नॉलेज नहीं है। पोर्ट्रेट्स के अलावा, पोर्ट्रेट लैंडस्केप के अलावा और हम क्या क्या बना सकते हैं, तो मेरे जितने भी वर्क्स हैं, जितने भी स्टाइल्स में वर्क करती हूँ, लाइक पोर्ट्रेट्स है, कॉम्पोजिशन है और स्टिल लाइफ, लैंडस्केप, ऑयल, वाटर कलर, एक्रेलिक, ट्रेडिशनल आर्ट्स और हमारी फोक आर्ट्स है और वॉल आर्ट, क्राफ्ट वर्क, तो काफ़ी सारे तरह का वर्क है, सबकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। और ये स्केच तो मैंने रिसेंटली बनाया था, शुभम बाम का ट्यूटोरियल बनाया था इसको मैंने, कि आप इंडेंटिंग से हेयर्स कैसे बना सकते हैं। अभी मैं आपको अपनी बड़ी फाइल दिखाऊंगी, ये वर्क है, ये मेरे बीएफए की बिगनिंग का वर्क है बिल्कुल। इसमें A3 साइज के अकॉर्डिंग जो ये पोर्ट्रेट बनाया मैंने, काफी छोटा बन गया था, तो फिर मैंने इसके बैकग्राउंड में इस तरह से डिजाइन बना दिया। यहाँ डिजाइनिंग के लिए मैंने कोई स्केल का यूज नहीं किया है, सीधा डायरेक्ट जैसे हम शेडिंग करते हैं नॉर्मली वैसे करके, और इरेज कर दिया है नॉर्मल इरेजर से। ये वाला आर्टवर्क की वीडियो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। और ये है हनुमान जी, शायद इसकी भी वीडियो है यूट्यूब पे। ये इसमें मैंने पीछे बैकग्राउंड में वाटर कलर किए हुए हैं
और फिर सिंपल पेन से डूडलिंग की हुई है, बहुत डिटेल है ये। अब मेरा ये वर्क है माय क्यूट दादी, ये वाला वर्क मेरा पेंसिल वर्क में अब तक का सबसे ज्यादा डिटेल्ड वर्क है। इसका ओनली फेस बनाने में मुझे 5 days लग गए थे, 3 या 5 days लगे थे शायद। आई वाज सिक 2 days, मतलब पूरी तरह से बीमार थी, और धीरे 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 ड्रॉ किया था मैंने इसे, और 3 days में शायद इसका इनका फेस कम्प्लीट हुआ था। ये वर्क तो मेरा 12th स्टैंडर्ड का वर्क है, बट मैंने इसमें रखा हुआ है क्योंकि अच्छा बना हुआ था। ये विराट कोहली का पोर्ट्रेट और ये हमारी दादी, ये कमीशन वर्क था तो उन्हें पसंद नहीं आया तो उन्होंने लिया नहीं। और ये वर्क मेरी BFA की बिल्कुल बिगनिंग का वर्क है। इसको इनकी जो ड्रेस है, ये इनके क्लोथ है, इसको बनाने में बहुत कंफ्यूज हुई थी, बहुत ज़्यादा मुझे समझ ही नहीं आया था कौन सा बॉक्स कहाँ बना हुआ है। एक बार तो गिव अप करने का मन कर रहा था, बट जब पूरा बन गया और तब बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। और ये मेरी फेरी, ये है शिव जी, ये मैंने तो आपने देखा होगा, ये वाला आपने ये वाली फोटोग्राफ्स कई जगह देखी होगी, कॉर्ड्स वगैरह में भी और वीडियोज वगैरह में भी, तो ये वहाँ से देख के बनाई थी, बट मैंने इसे कंपोज कर दिया था डिफरेंट तरीके से। और ये एक रियल गर्ल थी, बट उसे मैंने क्रिएटिव फेस में कंपोज कर दिया था, पूरा एक अलग ही पेंटिंग बना दी थी। ये जोकर्स, ये मैंने एक्रेलिक कलर से बनाया हुआ है, इसे मैं सोच रही हूँ कि मैं कैनवास से बनाऊँ, तो बताना क्या कैनवास पर अच्छा लगेगा, कितना हॉरिबल है ये। इसको बनाने में मैंने 2 days लिए थे, बनने के 3 दिन बाद तक मुझे बहुत डर लग रहा था इसे, क्योंकि इनके फेस में काफ़ी सारे पैचेस हैं, दूर से नहीं दिख रहे हैं, और रियल में तो और डिटेल्स दिखाई देंगे क्योंकि लाइट शेडिंग है वो दिखाई नहीं दे रही है। स्टार्टिंग में मैं जो वर्क्स बनाती थी उन्हें भी मैं अब जैसी डेडिकेशन से ही बनाती थी, बिल्कुल मन लगा के, बट क्या था, लेकिन पहले के मेरे जितने भी कमीशन वर्क्स हैं या जो भी पोर्ट्रेट्स हैं चाहे मेरे पर्सनल है, उन्हें वो सब मैंने फ्री हैंड बनाए हुए हैं, तो काफ़ी सारे पोर्ट्रेट्स में उसमें मुझे एरिया डिवाइड करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती थी। मेरा स्केच अच्छा बन जाता था बट मैं एरिया अच्छे से डिवाइड नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेजरमेंट्स करना मुझे बहुत बकवास लगता है, इवन मैथ्स का काउंटिंग देख के भी बहुत इरीटेशन होती है। मैं मेजर तो करती हूँ बट अब मैंने करना सीख लिया है। ये भी क्लास का ही एक वर्क है, ये शायद मेरी 2nd वीडियो थी YouTube पे, और बहुत मतलब अजीब बनी हुई है वीडियो, बट मैंने अपनी चाहे कितनी भी बुरी वीडियो मैंने कोई भी डिलीट नहीं किया, मेरी वीडियोस के बिल्कुल लास्ट में 2nd या 3rd होगी वीडियो होगी वाली। और ये वाला वर्क, इस वर्क को लेके खुद भी कंफ्यूज हूँ कि मैंने कृष्ण जी बनाया या शिव जी बनाया। यहाँ से आपको ये काफ़ी सिंपल लग रही है, बट इसे क्लोज से देखोगे तो ये जो पूरा येलो एरिया है इस पर वाइट पेन से डूडल हो रखी है, देख सकते हो आप। ये पेंटिंग तो काफ़ी पॉपुलर पेंटिंग है, ये किशनगंज शैली की पेंटिंग है और को बनी ठनी के नाम से जाना जाता है। अभी मेरे कैमरे में इनकी डिटेल्स अच्छे से दिख नहीं पा रही है, काफ़ी डिटेल्स हैं इसमें, ये पूरा अच्छे से बना हुआ है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है जो डिटेल्स है मैं आपको अच्छे से दिखा नहीं पा रही हूँ। ये गणेश जी भी आपने देखे होंगे फोटोग्राफ, और मैंने इसे अलग तरह से कंपोज कर दिया है, लाइक पीछे का बैकग्राउंड और यहाँ पे ये बना दिया है। ये भी मैंने 2nd time बनाया था वर्क, मतलब कि जब मैंने ये बनाया था बहुत सुंदर बनाया था, सेम यही कलर और ये डिजाइनिंग वगैरह सेम यही बनाया था, बट फिर ये खराब हो गया था, फिर मैंने इस आर्टवर्क को दोबारा बनाया और अब ये फिर यहाँ से खराब हो गया। ये बर्ड की रुक के 4th वीडियो थी, मुझे याद है, और ये मेरे BFA के बिगनिंग में बनाया था, बिना किसी रेफरेंस के बनाया था खुद से। इनकी आईज और हेयर्स वगैरह देख के आप गेस कर ही सकते हो, ये डूडल वर्क है, शायद डूडल वर्क्स वाले या फिर क्रिएटिव वर्क्स, इन दो प्लेलिस्ट में से किसी एक प्लेलिस्ट में आपको ये वर्क मिल जाएगा। और
ये हैं कृष्ण जी, बैकग्राउंड में डूडल हो रखा है। और ये कॉम्पोजिशन, अभी मैंने जितने भी आर्टिकल्स बनाए 6-7 मंथ्स में, तो उन सब की तो वीडियो यूट्यूब पर मिल ही जाएगी आपको। ये मोदी जी का स्केच, इसमें भी मैंने ऑयल पेस्टल और पेंसिल कलर्स का ही यूज किया है। वाला पोर्ट्रेट मेरा बीएफए बिगनिंग का वर्क है, मोनोक्रोमेटिक पेंटिंग, ये भी बिगनिंग का ही है। इस तरह की एक और सीरी है मेरे पास, इनको तो इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। तो इस आर्टवर्क की भी वीडियो है, मैंने कॉम्पोजिशन बनाई है। लेकिन जब भी हम कॉम्पोजिशन बनाता है तो उसके अंदर फिगर्स 2 या 3 होने चाहिए, तभी वो एक एक्चुअल कॉम्पोजिशन में काउंट होती है। इसमें काफ़ी सारी कमियां हैं, और ये मेरी फर्स्ट कॉम्पोजिशन थी मेरी, बहुत सारी कमियां इसमें, फिगर में भी, पोस्चर में भी, बहुत नेगेटिव स्पेस भी बहुत ज़्यादा है। और ये तो मेरा 12th स्टैंडर्ड का ही वर्क है, वाटर कलर है, और इसकी शाइन पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। इसकी वीडियो भी है यूट्यूब पर। तो जिस दिन जब मैंने ये आर्टवर्क बनाया था, इसको बनाते बनाते मुझे 3 बज गए थे, तो मैं काफ़ी लेट हो गई थी, और मैं इसे अपने रूम में टेबल पे रख के चली गई थी, और रात को बारिश में पूरा भीग गया और सारा कलर निकल गया इसका। यह है माय कलेक्शन, ये मेरी बार्बी डॉल। ये तक तो मैंने बार्बी डॉल्स बनाना छोड़ा नहीं था, लेकिन जब से मेरी जॉब लगी मैंने एक भी बार्बी डॉल नहीं बनाई है, बट जल्दी बनाऊँगी। ये आर्टवर्क ये एक्रेलिक कलर से बनाया हुआ है कम्प्लीट, और इसमें भी पैच वर्क है, फेस में देख सकते हो कैसे पैचेस बने हुए हैं। और ये लाइव वर्क है माइकल जैक्सन, धवन और आलिया भट्ट, ये भी मेमोरी ड्राइंग ही है, मतलब कंप्लीट इमेजिनेशन है इसमें, कोई कुछ भी कॉपीड नहीं है कहीं से भी। मैंने कथक कली की इस तरह से अब तक 3 पेंटिंग बनाई है, वाटर कलर्स में बनाई हैं 2 और 1 ऑयल कलर। तो इस आर्टवर्क का मैसेज तो देखते ही आप समझ ही गए होंगे कि इसमें क्या कहा जा रहा है, तो वो अभी शायद डिटेल्स सही से देख पा रही हूँ। यही मानिशी चिल्लर, मैंने आपको अपनी कल वाली वीडियो में बताया था कि मेरी बहन ने मुझे चैलेंज दिया था, तो उसके बाद मैंने फिर ये वो वाला वर्क बनाया था, इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है वर्सेस में। ये भी वाटर कलर से बनाया हुआ है, अगेन डूडल वर्क। और ये मेरे मामा जी के बॉस हैं और उनके वाइफ हैं, उन्होंने बनवाया था स्केच, कैनवास शीट है, ये काफ़ी फोल्ड हो गया और एक्रेलिक कलर से बनाया। तो मेरे स्कूल टाइम का वर्क है, ये क्लास में बैठ के मुझे बनाया हुआ है, खेल गया है जोकर। ये भी वाटर कलर से है, ये है मधुबनी पेंटिंग, और इसमें भी डिटेल्स हैं काफ़ी, तो इसकी वीडियो भी आप देख सकते हो। और ये भी मधुबनी पेंटिंग है, इसमें जो ये ब्लू एरिया है पूरा बैकग्राउंड का, और जो जितना भी एरिया है वहाँ पे सब में डूडल हो रखा है, कुछ डार्क कलर्स मैंने कर दिए थे, ये मेरी गलती थी, मधुबनी पेंटिंग में कभी भी डार्क कलर्स नहीं होते, ब्राइट कलर्स होते हैं, तो यहाँ मैंने एक गलती की हुई है। ये रही दूसरी मोनोक्रोमेटिक पेंटिंग, और ये मंडाला आर्ट, ये तो ये वाले बॉक्स तो बिगिनिंग के वर्क हैं, तो इनको तो टच करना ही है। ये रही ये रहा वो स्केच जो कि मैंने बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है ओल्ड आर्ट वर्क्स वाली, तो उसमें भी मैंने बताया था कि वो तो दोनों गर्ल्स के थे, और मैंने बताया था कि एक मेल और एक फीमेल का है, जिस तरह से मैंने बनाया है, तो वो ये है, इसमें काफ़ी डिटेल्स हैं और बहुत अच्छे से बनाई है। और एक ये आर्टवर्क है, ये तो मैंने पहले भी दिखाया हुआ है माय फेवरेट आर्टवर्क वाली वीडियो में, और जब मैंने इस आर्टवर्क को वार्निश किया था तब भी दिखाया था। आपने मेरे वर्क्स देखे, इस तरह से मैंने स्टार्टिंग से अब तक इम्प्रूव किया है और कितने सारे आर्टवर्क्स बनाए हैं। मैं मेरे वर्क्स दूसरों से ज़्यादा जज करती हूँ, जितना आप लोग या कोई और जज करता है उससे ज़्यादा करती हूँ, तो
इसलिए कंपैरिजन भी बहुत किया और मैंने अपने वर्क का कि मेरा पहले कैसा था और अब कैसा है। बाकी जो आर्टिस्ट हैं उन्हें तो मालूम ही है कि हम अपने कमीशन वर्क में उतना बेस्ट देते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। वो वर्क तो मैं दिखा सकती नहीं हुआ है क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। होप कि आपको मेरे आर्ट वर्क अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बिकॉज जितने भी स्टाइल्स के, जितने भी मीडियम के आपने मेरे आर्ट वर्क्स देखे हैं, उन सभी तरह के मैं वीडियोज़ लाते रहते हैं। उसके अलावा बहुत सारे क्राफ्ट वर्क्स भी हैं जो कि हम अपने घर में डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं और गिफ्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे आर्ट वर्क्स और ट्रेडिशनल आर्ट वर्क्स भी आगे आने वाले हैं, तो चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कीप इम्प्रूविंग।